अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आ गया है बैठे इन तखत, लाल आ गया है बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। वहाँ से आए बुढ़ानपुर, अक्षराती धामधनी सब सुंदर साथ के साथ औरंगाबाद से चलकर बुढ़ानपुर आए। बुढ़ानपुर में श्री जी ने जो काजी हिदायतुल्ला है या फतेह मोहम्मद है सबके पास पत्र लिखकर के भिजवाया कुरान के पृष्ठ। और एक घटना और हुई, मराठों का दमन करने के उद्देश्य से औरंगजेब बादशाह 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में रहा, क्योंकि जब दिल्ली में उसने देखा कि आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा आए थे लेकिन सत्ता के मद में अंधी आँखें उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी, तो निश्चित समझ गया कि इस जो उनके भेजे हुए 12 सुंदर साथ थे उनके साथ जो मेरे दरबार में बुरा व्यवहार हुआ उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। वो दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत में औरंगाबाद जिले में खुल्दाबाद स्थान है जहाँ उसने अपनी सैनिक छावनी बना रखी थी। और उस समय की परंपरा ऐसी थी कि बादशाह की शाही सेना जहाँ जाती थी काजी भी साथ में रहता था और वही निर्णय करता था कि क्या करना है, कितने हिंदुओं को धर्मांतरित करना है या क्या करना है, यह सारा विषय निर्णय करने का अधिकार काजी का था। काजी शेख इस्लाम भी उस समय वहीं पर था खुल्दाबाद में सैनिक छावनी के बीच। श्री जी ने लाल दासी को भेजा कि जाकर के क़यामत के निशानों के जाहिर होने के संबंध में काजी शेख इस्लाम से लालदास जी अब जाकर के बातें कीजिए। लालदास जी जब जाते हैं तो काजी कह देता है, यानी जो मुख्य द्वार पर सेवक था उसके माध्यम से पत्र भिजवाया कि मैं लालदास जी आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर बुलाया जब काजी ने तो काजी उनकी बात उनको देख करके कहा कि लालदास जी आज तक आप कहाँ थे, कैसे आए हो? कहा कि हम हादी का संदेश लेकर आपके पास आए हैं। काजी शेख इस्लाम ने कहा कि आज तो मैं कुछ आवश्यक कार्य से अब जा रहा हूँ, कल आप प्रातःकाल आइएगा। प्रातःकाल पुनः लालदास जी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी उन काजी शेख इस्लाम के मित्र भी थे, मित्र के नाम पर कुरान के जानकार थे। वार्ता होने लगती है जब लालदास जी एक किताब दिखाते हैं जिसमें क़यामत के निशानों की पहचान दी गई थी, इमाम मेहदी के प्रकटन की पहचान दी गई थी। तो काजी शेख इस्लाम को ये बात पच नहीं रही थी, उसने कहा कि कुरान की आयतों का उदाहरण देकर यह किताब आपने ले रखी है। कहा कि काजी साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये किताब हमने लिखी है? कहा कि नहीं, किताब तो ये ठीक है लेकिन लगता है कि कम लिखने वाले ने, कम जानकार जो कुरान का जानकार नहीं है उसने ये बात लिखी दी है। लालदास जी कहते हैं कि आपको कुरान के बातिनी अर्थ नहीं आते, आप बाह्य शब्दों के अर्थ को लेकर चलते हैं तो क़यामत की पहचान क्या हो सकेगी। इसी बहस में काजी के मुख से निकल पड़ा कि जिसने आपको पत्र भेजा है वह कुरान से भटका हुआ है, उसको कुरान की जानकारी नहीं है। लालदास जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि
क्योंकि उसने यह सीधा आरोप प्राणनाथ जी पर कर दिया था। लालदास जी कहते हैं कि काजी साहब, हम तो हादी का आदेश लेकर आए थे, लेकिन जब आपकी सोच ऐसी है तो हम आपको दोबारा पुनः कोई संदेश देने नहीं आएंगे। आप अपने घर ठीक हैं, हम अपने हादी के चरणों में ठीक हैं। काजी शेख इस्लाम अंदर से बहुत क्रुद्ध था, ऊपर से बनावटी विनम्रता दिखा रहा था, और उसने अंदर खाने ये तैयारी कर रखी थी कि लालदास जी की हत्या करा दी जाए। लालदास जी को राज्य की प्रेरणा हुई और किसी तरह से वहाँ से बातें करके निकल आए। दूसरे वहाँ जाकर एक मुफ्ती अब्दुल रहमान के यहाँ ठहरे, वहाँ भी उससे काफ़ी बातें हुई, कुरान के संबंध में काफ़ी बहस हुई। मुफ्ती भी किसी तरह से स्वीकार करने को राजी नहीं हुआ। श्री जी ने संदेशा भिजवाया कि लालदास जी वहाँ पानी भी नहीं पीना है, तुरंत वहाँ से चले आओ, क्योंकि मूल स्वरूप ने महामती जी के धाम हृदय में ये प्रेरणा की कि काजी शेख इस्लाम लालदास जी की हत्या कराना चाहता है, और इसलिए लालदास जी का रहना वहाँ ठीक नहीं है। राज्य की प्रेरणा से लालदास जी वैसे ही चले आए जैसे काल के मुख से किसी तरह से उनको निकाला गया हो। 3 दिन में पुनः वो श्री जी के चरणों में पहुँच गए। आप देखेंगे राज्य ने पाती में क्या लिखा था कि परम धाम के सुंदर साथ, मैं तुम्हारे सिर पर हर पल एक पांव से खड़ा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। वेद की, उपनिषद की सबकी शिक्षा क्या है? अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मा इस जंतु निहितम गुहायाम। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से भी बड़ा है। कहने का भाव क्या है? वो इतना निकट है कि मनुष्य की बुद्धि जान नहीं पाती, इतना दूर भी है कि मनुष्य की बुद्धि आंक नहीं सकती। ये जितनी गैलेक्सियां हैं, आप यदि 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आप गमन करें तो इस सृष्टि के एक छोर से जाने, एक छोर से दूसरे छोर में जाने में 6 अरब प्रकाश वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष एक दूरी है, आप समझिए करोड़ों गैलेक्सियां हैं, और हमारा जो सूर्य है एक छोटा सा सौरमंडल का सूर्य है। ऐसे करोड़ों सूर्य हमारी गैलेक्सी में रहते हैं, और ऐसी ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। आप सोचिए कितनी कितनी बड़ी यह सृष्टि है। हमारा सौरमंडल तो समुद्र के किनारे यदि खड़े हो जाएं तो धूल के एक कण के बराबर है हमारा सौरमंडल, और हमारा सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। आप सोचिए मनुष्य तो एक छोटा सा घर बना लेता है, थोड़ी सी संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, तो उसको कितना अहंकार रहता है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। परमात्मा की अनंत सत्ता के समक्ष वह कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि वह प्रेम की राह अपनाता है तो परमात्मा से बराबरी का उसका संबंध होता है, क्योंकि प्रेम में सत्ता समाप्त हो जाती है। एक तरफ सर्वशक्तिमान परमात्मा और एक तरफ अल्प शक्ति वाला चैतन्य, कहाँ सागर अनंत और कहाँ उसकी एक छोटी सी लहर। लेकिन परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का प्रेम आग में लोहा डालने पर जैसे लोहा आग के समान हो जाता है, परमात्मा के प्रेम रूपी अग्नि में तपकर जीव चैतन्य भी कहने लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा के गुणों के समान हो गया हूँ। परमात्मा आनंदमयी है तो मैं भी आनंदमयी हो गया हूँ। लेकिन यही तो संसार को पता नहीं चलता। मनुष्य अपनी आंखें खोलकर जब बाहर के संसार को देखता है तो अपने शरीर और संसार में डूबा रहता है। शरीर और संसार से परे उसकी दृष्टि नहीं होती कि कहाँ ये अंधकार से आवृत ये जगत, अंधकार से पैदा हुआ जगत, तृष्णाओं की ज्वाला में भटकता हुआ जीव, और इसके परे है अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड शांति। लेकिन इसके लिए तो हमें अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलना पड़ेगा। आत्मा के चक्षुओं को खोलने के लिए शरीर से, प्रकृति से परे जाना होगा। इसलिए जब तक ये बोध नहीं होता, हर संप्रदाय का प्राणी कहाँ भटकता है? मंदिरों में भटकता है, तीर्थ स्थानों में भटकता है। कोई कहता है कि अमुक तीर्थ पर चले जाओ, हिंदू चारों धाम की यात्रा करके खुश होते हैं कि हमने
पुण्य कमा लिया। मुसलमान सोचते हैं कि मक्का मदीना हम हज करके आए तो हमने पुण्य कमा लिया। एक सूफी फकीर ने कहा है, मक्का गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ सौ जुमे पढ़ाइए। गंगा गए गल मुक्ति नहीं, जो सौ सौ डुबकी लगाइए। आप मक्का जा कर के वहाँ हज कर आएंगे तो ये थोड़े कि अल्लाह ताला मिल जाएगा। जिसको खोज रहे हो, मैं मोको कहाँ ढूंढे बंदो बंदे मैं तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। मंदिर तो लोगों की श्रद्धा के लिए श्रद्धा केंद्रित रहे एक स्थान पर इसलिए बना दिए गए हैं। सबसे बड़ा हृदय ही वह मंदिर है जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा किसी जड़ पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता। परमात्मा तो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है, अनंत चंद्रमा की शीतलता उसके अंदर है, अनंत सागरों की गहराई से भी गहरा उसका प्रेम है, उसका आनंद है। और उसको जानने के लिए अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलना पड़ता है। भला शरीयत के बंधनों में रहने वाले काजी मुल्ला कुरान के गुई अर्थों को क्या समझ सकते थे। इसलिए अब श्री जी वहाँ से बुरहानपुर से चल करके आकोट आते हैं। आकोट चार माह तक रहते हैं। आकोट में एक विशेष घटना होती है। बरार परगना उधर पड़ता है, आजकल नाम बदल गए हैं, पुराने समय में उसको बरार परगना कहा जाता था। बरार परगने के हाकिम का जो सेवक था वो एक सुखदेव नाम का ब्राह्मण था, कबीर पंथ का था। उसने श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी, सुनकर वह इतना दीवाना हो गया कि बस एक ही बात उसके मुख से निकलती है, तुम ही तुम हो, तुमने खेल मंगवाया तुम परमधाम ले जाओगे, तुमसे खेल बना। उसको कुछ समझ में नहीं आता। लोग पूछते हैं भोजन किए हो, कहता है कि भोजन क्या होता है। उसके पड़ोस वालों से सुंदर साथ ने पूछा तो सबने बताया कि तीन दिन से इसने कुछ भोजन ही नहीं किया है। श्री जी बैठे होते हैं, वो दर्शन करने आता है फिर लौटता है, फिर घर उसको चैन नहीं पड़ता। जैसे कोई ये कपड़ा बुनने वाला जलहा अपने कपड़ा बुनने वाले उसको बार बार चलाता है, उसी तरह से वो घर तो जाता है शरीर से, मन उसका श्री जी के चरणों में लग चुका है। राज्य की वाणी चर्चा का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि उसकी सुरता अक्षरधाम में लग गई है, संसार को देखना नहीं चाहता। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय के अलौकिक सौंदर्य को देख ले और उस व्यक्ति को कहा जाए कि ये सरसवा की सड़क पर जितना कचरा जमा है या नकुल गंगोह की सड़क पर जितना कचरा जमा है, सहारनपुर की गटर की गंदगी को कोई देखे तो कौन देखना चाहेगा। जिसने अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान प्रकृति से परे अक्षरधाम की शोभा को एक बार देख लिया, वो माया की इस झूठी दुनिया में क्यों लगेगा। यही हाल उस सुखदेव ब्राह्मण का हुआ। श्री जी नदी के किनारे स्नान कर रहे होते हैं और वो प्रेम की मस्ती में आकर के इतना व्याकुल हो जाता है कि नदी में को पार करने लगता है कपड़े समेत। उसको ये भी चिंता नहीं कि मैं नदी में डूब जाऊंगा, और डूबने लगता है। सब सुंदर साथ उसको पकड़ करके लाते हैं, उसका पानी निकालते हैं पेट का, लेकिन उसको जब होश आता है तो एक ही बात कहता है, हुआ है तुमसे, होगा तब सब तुमसे, तुमने खेल मंगवाया तुम लेकर के जाओगे। वो महामती जी के स्वरूप में, प्राणनाथ जी के स्वरूप में, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत की छवि को देख रहा है। उसको संसार से कोई लेना देना नहीं रह गया है। श्री जी ने उसकी सुरता को वहाँ से हटाना चाहा तो उसने शरीर छोड़ दिया। अंत में उसका दाह संस्कार उसके भाइयों ने किया। यह एक प्रेम की चुनौती है वह ईश्वरीय सृष्टि, लेकिन परमधाम के उन ब्रह्म सृष्टियों को चुनौती दे रहा है कि परमधाम की आत्माओं तुम तो प्रेम के सागर कहलाती हो, अक्षरातीत की अंगरूपा कहलाती हो। जब तुमको चितवनी के लिए कहा जाता है तो कोई कहता है कि हमारी ये तकलीफ है, हमारे इतने काम है,
कोई कुछ बहाना करता है, कोई कुछ बहाना करता है, वो एक ईश्वरीय सृष्टि है, उसको कुछ नहीं बताया गया। चर्चा सुनकर इतना ईमान, इतनी आस्था उसको है कि एक पल भी वो प्राणराजी से दूर नहीं होना चाहता। वहाँ पर अपने भाई से भागकर, घर से भागकर अव्वल खान आ जाता है औरंगाबाद से, और कहता है कि धामधनी, मैं इस दुनिया में आपके बिना नहीं रह सकता। श्री जी उसको सांत्वना देते हैं कि जब मैं एकांत में चलूँगा, एकांत में बैठूँगा पद्मावतीपुरी धाम, तब तुमको बुलवा लूँगा, अभी कुछ दिन भाइयों के साथ गुजारा कर लो। श्री जी आकोट में कुछ 4 महीने रहते हैं। आकोट का चौधरी कुछ चर्चा सुनकर भाई पहचान कर पाता है, श्री जी को अपने घर बुला करके ले जाता है, श्रद्धापूर्वक भोजन कराता है, और इस तरह से आकोट की दिनचर्या चलती रहती है। आकोट में श्री जी की चर्चा वाणी, श्री जी एक सफ़ेद घोड़े पर बैठे रहते हैं। रास्ते में जब चलते हैं वहाँ से रामनगर की तरफ, आप सोचिए हजारों सुंदर साथ हैं साथ में, और भिक्षा मांग करके लाते हैं। सबसे पहले धामधनी श्री प्राणनाथ जी को भोजन कराते हैं, और जो बचा रहता है सब सुंदर साथ में बांट लेते हैं। सब पैदल चल रहे हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। क्या वो समय रहा होगा, आप देखते हैं। आज तो आप सेठ में बैठे हैं, सेठ के नीचे पंखे भी लगे हैं, और जो बैठे हैं आप, मैट के नीचे आपको गद्दा भी दिया गया है। कभी किसी ने सोचा है कि प्राणनाथ जी जब हजारों सुंदर साथ के साथ चलते होंगे तो रास्ते में क्या खाते होंगे? वृक्षों के नीचे रहना पड़ता होगा। यदि तूफान आ गया, बरसात आ गई, रात में शीतल हवा के झोंके चलने लगे, तो क्या उसमें कंबलों का गठर तो साथ में रहता नहीं था? आज हम श्री जी के नाम पर सारे संसार में सम्मानित होते हैं। जो प्राणनाथ जी की वाणी सुनाता है, सुंदर साथ उनके लिए पलक पावड़े बिछा देता है, कहीं कहीं उनको राज्य का स्वरूप मानकर ही स्वागत होता है कि राज्य की वाणी सुना रहे हैं तो हमारे लिए वैसे ही स्वरूप है। फिर भी धर्म प्रचारकों में वह ज्वाला नहीं है हृदय में कि हम संसार की अज्ञानता को दूर करें। सोई मच्छरातीत भीख में मांगे हुए सुंदर साथ के जो टुकड़े होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। कभी श्री जी ने तो ये नहीं कहा होगा कि आज मुझे ये खाने की इच्छा है। इसलिए हर धर्म प्रचारक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी धर्म प्रचार के लिए जाते हैं तो फरमाइश न करें कि हमको ये चीज़ खाने के लिए लाओ। जिसकी जो श्रद्धा है, जो खिलाता है, वही खाना चाहिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए कोई चीज़ कह सकते हैं कि यह चीज़ मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, मैं यह नहीं खा पाऊँगा, लेकिन अच्छी वस्तुओं की खाने की फरमाइश नहीं करनी चाहिए किसी भी धर्म प्रचारक को, केवल निजानंद संप्रदाय के नहीं, संसार के किसी भी धर्म प्रचारक को। क्योंकि पता नहीं जिसके यहाँ गए हैं वह तो श्रद्धा से खिलाए गए, और हम जब फरमाइश करते हैं कि हमको यही खाना है, हम साधारण भोजन नहीं कर सकते, हमको ऐसी कमरा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, अमुक सुविधा चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये दोष लगता है। आदि शंकराचार्य केरला से पैदल चलकर पूरे देश में घूमे, गौतम बुद्ध पैदल सारे देश में घूमे, महावीर स्वामी, विवेकानंद, दयानंद, जिन्होंने इस देश को, यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखा है, उन्होंने हमेशा तप के वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत किया है। प्राणनाथ जी के साथ चलने वाले 5,000 की संख्या है, एक रिकॉर्ड है। बुद्ध के साथ भी, महावीर स्वामी के साथ भी हजारों उनके शिष्य रहा करते थे, लेकिन ये तो अलौकिक घटना है। बुद्ध के साथ कोई विरोधी राजा नहीं था। हाँ, अंगुलिमाल तो उनके चरणों में आ ही गया था, जरूर उनका चचेरा भाई विरोधी था, देवदत्त, लेकिन श्री जी के साथ तो आप देखेंगे जहाँ जाएंगे औरंगजेब की सेना पीछा कर रही है, चाहे उदयपुर हो, मंदसौर हो, औरंगाबाद हो। अब रामनगर में आपने पन्ना जी का प्रसंग सुना है, रामनगर में भी औरंगजेब का भेजा हुआ सेनापति आएगा। किस लिए? प्राणनाथ जी और सब वैरागियों को पकड़कर, सुंदर साथ को पकड़कर दिल्ली ले चलो। अब श्री जी वहाँ से चलकर कापस्तानी आते हैं,
कपास्तानी से एलचपुर पहुँचते हैं। एलचपुर में एक किसान था, उसने बहुत ज्वारी यानी मक्के की खेती की थी। सब सुंदर साहब से कहता है कि आप लोग यहाँ कई कई दिन रहिए, और तो कुछ बेचारे के पास था नहीं, भाव उसका बहुत था। और देखिए, सेवा पैसे से नहीं होती है, भाव से होती है। संसार में बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनका भाव नहीं है, तो उनका धन जमीन में पड़ा रहता है, रखे रहता है। जिसके पास भाव होता है वो कम पैसे में भी सेवा कर देता है। वो किसान श्री जी से कहता है कि आपको मैं सवेरे मक्के की रोटी खिलाऊंगा, दोपहर को उसका कुछ हलवा बनाकर खिलाऊंगा, शाम को उसका चावल खिलाऊंगा, मक्के के जितने व्यंजन हो सकते हैं बदल कर हजारों सुंदर साथ को वह अकेला किसान खिलाता है। उसको खिलाने में ही आनंद मिल रहा है, इसलिए लालदास जी की लेखनी से उसका नाम नहीं छुप पाया। एक गरीब किसान के भावों का वर्णन किस लिए किया गया है कि सबके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि जो धर्म प्रचार कर रहे हैं उनको कभी भूखों न रहना पड़े। आप वर्तमान समय में देखेंगे तो इतिहास की कहानी बहुत विचित्र है। इतिहास परिणाम को देखता है। इतिहास यह नहीं देखेगा कि आप कितने महान हैं, आपकी महानता कही जाएगी लेकिन उसके बदले आप परिणाम क्या दे रहे हैं मुख्य विषय इस पर निर्भर करता है। सात समुद्र पार से आए हुए पादरियों ने सारी दुनिया में ईसाई धर्म का डंका बजा दिया। भारत के मठाधीश महंत साधु जो भी रहे, विद्वान रहे, घर बैठे रहे। इन्होंने अपनी ज्ञान को छिपाया, छिपाते छिपाते ये सिमटते गए। और जो अपने बाइबिल का ज्ञान फैलाते रहे, इस्लाम का ज्ञान फैलाते रहे, वो सारी दुनिया में फैल गए। भारत के विद्वानों ने इस बात को समझा नहीं कि व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छिपाएंगे उतना ही संकुचित होगा। पहले पौराणिक पंडितों ने कहा कि क्षत्रियों को पहले कहा कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, फिर स्त्रियों को मना किया, फिर वैश्यों को कह दिया, फिर क्षत्रियों को भी कहा कि तुम क्या पढ़ लिख कर करोगे। एक सीमित समाज का बना लिया। परिणाम यह हुआ कि जो साधु महात्मा भी निकले वो भी अनपढ़ों की जमात। कुंभ के मेले में देखिए, जो नागी महात्मा होते हैं उनमें अधिकतर अनपढ़ ही होते हैं। उन बेचारों को पता नहीं होता धर्म क्या है, भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है। शरीर को नंगा रखने से यदि परमात्मा मिल जाए तो सारे पशु पक्षियों को पहले परमात्मा मिल जाना चाहिए। यदि गंगा में डुबकी लगाने से ही मोक्ष मिलता है तो उसमें रहने वाले मेंढकों को, मछलियों को, कछुओं को सबसे पहले मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं करेंगे, जब तक तप त्याग समाधि से शरीर से परे नहीं होंगे, शरीर की आसक्ति से परे नहीं होंगे। ध्यान में स्थिति क्या होनी चाहिए? देहाध्यास की प्रतीति न हो, शरीर मेरा है यह पता न चले, तो समझ लीजिए अब आप ध्यान की गहराई में पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने शरीर को तो नंगा कर दिया, सारा ध्यान लगा हुआ है कि आज मुझे ये चढ़ावा मिल जाए, आज मुझे ये खाने को मिल जाए, तो इस तरह से नग्न रहने से कोई भी लाभ नहीं है। श्री जी आकोट से चलकर जब एलचपुर आते हैं तो उस किसान ने उनकी बहुत सेवा की। अब आप धाम धनी सब सुंदर साथ के साथ पैदल, सब सुंदर साथ चल रहे हैं, श्री जी घोड़े पर हैं और वैरागी भेष में, उस भेष में छिपे हुए अपने धाम धनी को सुंदर साथ ने पहचान लिया है और उसी भाव से सेवा कर रहे हैं। वहाँ से चलकर रामनगर पहुँचते हैं, केतकी नदी का किनारा है। वहाँ केतकी नदी के किनारे गणेश महंत रहा करते थे। गणेश महंत के बराबर सब सुंदर साथ ने ईंटें बनाकर अपना श्री जी के लिए, बाईजूराज जी के लिए, कुछ और सुंदर साथ के लिए निवास बना लिया कि बरसात में, शीत में सुंदर साथ सहित श्री जी यहाँ पर ठहरे। अब धीरे धीरे जागने का प्रकाश फैलने लगता है। आकोट में एक घटना और हुई होती है, वहाँ मृगी की बीमारी फैल जाती है। मृगी की बीमारी से जो बड़े बड़े सुंदर साथ होते हैं सब शरीर छोड़ देते हैं। श्यामल दास, जिनका नाम था चिंतामणि, सदानंद त्रिलोक दास,
निर्मल दास न जाने कितने सुंदर साथ हैं, वो मिर्गी की बीमारी से शरीर छोड़ देते हैं। एक को उठा करके श्मशान घाट में दास क्रिया की जाती है, जब तक आते हैं तब तक दूसरा शरीर छोड़ देता है। सब सुंदर साथ दुखी हो जाते हैं कि माया हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। एक बात देखिए, धार्मिक क्षेत्र में पतन कहाँ से शुरू होता है? जब मनुष्य की बुद्धि में तमोगुण हो जाए। तमोगुण कहाँ से शुरू होता है? आहार में जब तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है तो तमोगुण पैदा होता है। तमोगुण के होते ही अज्ञान छा जाता है और उस अज्ञानता के अंधकार में मनुष्य पाप करने लगता है। वैदिक युग का पतन इसी से हुआ कि अत्यधिक धन हो गया और वाम मार्ग का उदय हो गया। प्रमाद आलस्य से लोगों ने अष्टाध्यायी महाभाष का पढ़ना बंद कर दिया, निघंट निरुक्त पढ़ना बंद कर दिया। महाभारत काल के पश्चात अर्थ समझ में नहीं आया और वेद के अर्थ का अनर्थ करने लगे। परिणाम क्या हुआ? यज्ञों में पशुओं की हत्या की जाने लगी। गोमेद का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गोय का अर्थ होता है किरण, गोय का अर्थ होता है गाय। यानी आहुति में सुगंधित पदार्थ ऐसे डालिए कि वातावरण शुद्ध हो जाए, इसको कहते हैं गोमेद यज्ञ। बामार्गियों ने अर्थ निकाला, गाय काट करके हवन कर दो। अश्वमेध का अर्थ होता है राष्ट्रम ही अश्वमेधा, राजा के द्वारा प्रजा का प्रशासन सम्यक तरीके से चलाया जाए, इसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। इन्होंने कहा कि घोड़ा काट करके अग्निकुंड में हवन कर दीजिए। नरमेत का अर्थ होता है जब मनुष्य मर जाए तो उसका विधिवत दाह संस्कार करना, कम से कम 20 किलो घी जरूर डालना। वामार्गियों ने अर्थ निकाला कि जिंदे मनुष्य को काट करके हवन कर दो, तो इसको कहते हैं नरमेत यज्ञ। ये काम कौन करता था? आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे, मद्य पीना, मांस खाना जिनका स्वभाव था, उन्होंने वैदिक परंपरा में भी घुसपैठ की और इसका प्रचलन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गौतम बुद्ध को इसका विरोध करना पड़ा। नियम यह था कि हर ऋतु में हवन कुंड में वेद मंत्रों से सुगंधित पदार्थ डाले जाते थे। इसका लाभ क्या है? एक सर्प था, गांव वालों ने सोचा कि इसको मार डालें, वो किसी घास फूस में जा कर के छिप गया, खरपतवार में। लोगों ने सोचा कि क्या पड़ता है, ये छिप गया है तो इसको हम जला देते हैं। जला दिया, इसके साथ ही सर्प मरा तो उसका विष भी उसी में जल गया। हवा बह रही थी गांव की तरफ, वह हवा जितने लोगों को लगती गई सभी मरते गए। यानी एक सर्प के विष जलने से कितने लोग मर गए। जो अग्निकुंड में औषधियां डाली जाती हैं, सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं, वे सूक्ष्म होकर कई गुना शक्तिशाली बन जाते हैं और प्रत्येक प्राणी तक पहुँचते हैं। जब यह प्रक्रिया बंद हो गई, केवल मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होने लगी, तो परिणाम यह हुआ कि प्लेग की बीमारी आती, कभी कभी मिर्गी की बीमारी आती, कभी हैजे की बीमारी आती, रोग के कीटाणु फैलते गए और गांव के गांव साफ होते थे। आपने परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की वीतक में पढ़ा है कि किस प्रकार उनकी माँ की भी प्लेग से, उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। जब वो बीमारी आती थी तो गाँव के गाँव समाप्त हो जाते थे, कोई अर्थी उठाने वाला नहीं रहता था। ये क्यों हुआ? जब इस देश के लोगों ने यज्ञ हवन छोड़ दिया, अब वहाँ भी मिर्गी की बीमारी फैल गई। तो एक होती है मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा कैसे की जाती है? कि अपने मन के संकल्प से योग को ठीक किया जाता है। जो बड़े बड़े योगी महात्मा होते हैं, संकल्प मात्र से रोगी के रोग को अपने अंदर ले सकते हैं या अपने रोग को संकल्प मात्र से ठीक कर लेते हैं। श्री जी जब देखे कि सब सुंदर साथ इतना दुखी हो गया है, तो मृगी की बीमारी को आदेश दे करके समाप्त करवाया। अब यहाँ से सुंदर साथ, मैंने कहा, रामनगर पहुँच जाते हैं। रामनगर में जागने का प्रकाश फैलता है। उसमें एक है हरि सिंह। हरि सिंह ने श्री जी की चर्चा सुनी, सुजान सिंह के माध्यम से
उन्होंने सूरत सिंह को भी सचेत किया कि देखिए केतकी नदी के किनारे कोई महापुरुष आए हुए हैं। और हर सिंह की व्यवस्था यह थी कि कोई मुकदमा ऐसा था जिसमें वे अपराधी थे और उस अपराध के बदले उनको बहुत राजदंड मिलना था, संभवतः फांसी भी हो सकती थी। अब उन्होंने सोचा कि ये महापुरुष आए हैं, हमें अपना काम कराना चाहिए। सच तो यह है कि संसार में लोग मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं, किसी महापुरुष के चरणों में जाएं, तो सांसारिक स्वार्थ पहले होता है, परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करना गौण होता है। हजार लोग यदि आते हैं तो उसमें 50 व्यक्ति ही होंगे जो अपने जीव के कल्याण की भावना से आते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। सारी दुनिया का राज भी किसी को दे दीजिए तो कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। एक बार परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी से बनारसो बंशी ने कहा कि महाराज जी सबको परम धाम क्यों नहीं दिखा देते। महाराज जी बहुत मना करते रहे कि बनारसो कोई देखना नहीं चाहता, सब माया के लिए मेरे पास आते हैं। उस दिन बनारसो बंशी ने जिद कर लिया। महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल मैं सबको दिखा दूंगा और तुम सबको बता देना, लाइन में सबको खड़ा करा देना कि जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। और कहा कि तुम मेरे पास बैठे रहना। सुंदर साहब सब लाइन में लग गए। एक आता है, कहता है कि महाराज जी मेरी दुकान बढ़िया नहीं चल रही है। एक महिला आती है, कहती है कि मेरी बहू मेरे से लड़ती रहती है। कोई कहती है कि मेरा पोता नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी ने भी राज्य के दर्शन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि देखा तुमने, क्या इनमें से किसी को भी राज्य चाहिए? राज्य किसी को नहीं चाहिए। हरि सिंह भी वही है। सुंदर साथ को श्री जी सहित सबको निमंत्रण देता है कि आप हमारे घर चल करके भोजन कीजिए। भोजन कराने ले जाता है, खूब आदर सत्कार से, तरह तरह के व्यंजन हैं, मिठाइयाँ हैं, अचार है, भोजन कराता है अति प्रेम से, भाव में विभोर होकर। और जब भोजन कर लिया श्री जी ने, कहने लगे किले में ले गया कि धाम धनी आप अकेले में, आपसे कुछ बातें करनी है। श्री जी ने सोचा है कि लगता है इसको राज्य का ज़्यादा विरह है। कहा कि बताओ। अपनी बात कह दिया कि मेरे ऊपर ये संकट है, ये टल जाए। श्री जी सोचने लगे कि सचमुच बंदर कभी अदरक का स्वाद नहीं जान सकता। जीव सृष्टि माया की ही बात करेगी, कभी उसको परम धाम का सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी सेवा पर मैं आज इतना प्रसन्न था कि यदि ये कहता कि परम धाम दिखा दीजिए तो मैं इसको दिखा भी देता, लेकिन इसने तो माया की छोटी चीज मांग कर अपने अवसर को खो दिया। जैसा कि उसकी चाहत थी, राज्य ने आशीर्वाद दे दिया, उसका संकट टल गया। लेकिन ये बात तो फैल गई, सबको मालूम था कि इसको तो फांसी होनी ही है। लेकिन जब देखा कि श्री जी के आशीर्वाद से ये बच गया तो दूसरे लोग भी आने लगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। कोई महात्मा आ जाए, कुछ चमत्कार दिखाने लगे तो वहाँ भीड़ लग जाएगी। लेकिन यदि मैं संसार के सारे ग्रंथों से परमात्मा के बारे में बताऊं, सबको कहूं कि भाई यह सब कुछ नश्वर है, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, संसार भी छूट जाएगा, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए परम धाम का ध्यान कीजिए, सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम कीजिए, तो आप देखते हैं इस सरसवा बड़ा, इतना बड़ा नगर है, कितने लोग आते हैं? 50 भी तो सरसवा से नहीं आते। और यहीं पर यदि मेला लग जाए तो सरसवा की नई नई बहुएँ भी मेला में पहुँच जाएंगी, क्योंकि वहाँ की माया की चीज़ें देखने को मिल रही है। झूठे तमाशे के लिए सारी दुनिया इकट्ठी होगी, परमात्मा से किसी को प्रेम नहीं है। परमात्मा से प्रेम कौन करेगा? जिसके अंदर का विवेक जागृत हो गया है, जिसके ऊपर से रज और तम का आवरण हट चुका है, वही संसार की नश्वरता को समझेगा। जब मौत सामने आती है तो संसार की वास्तविकता का पता लगता है। आप एम्स में चले जाइए या श्मशान घाट में चले जाइए, संसार क्या है पता चलेगा। एक अर्थी आ रही है, एक अर्थी जलाई जा रही है। कुछ लोग इधर रो रहे हैं, कुछ लोग उधर रो रहे हैं। और घर में जहाँ टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, संगे संबंधी आ रहे हैं, तो हमें क्या वैराग्य होगा?
हमें संसार की नश्वरता का क्या पता चलेगा? हमें तो तब पता थोड़ा बहुत लगेगा जब हमारे परिवार से कोई मरेगा या हम बूढ़े होने लगेंगे, लगेगा कि अब हमारे दांत भी नहीं हैं, हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए, चला नहीं जा रहा है, तब संसार की नश्वरता का पता चलेगा। अन्यथा लगता है हम इतने धनवान हैं, हम इतने सुंदर हैं, हमारा इतना भरा पूरा परिवार है, हम भला मरने वाले थोड़े हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं मरने वाला हूँ। जिस दिन हर कोई सोच लेगा कि मेरा शरीर नश्वर है, उस दिन से वो पाप क्यों करेगा? लेकिन मनुष्य पाप इसलिए करता है, सोचता है कि सबका धन मैं इकट्ठा कर लूँ, मुझे दुनिया में हमेशा रहना है। दुनिया को बनाने वाला नारायण भी जब महाप्रलय में नहीं रहता, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये धरती भी नहीं रहेगी, तो हमारा मिट्टी का पुतला कितने दिन रहेगा? 100 साल, 200 साल, अधिक से अधिक रहेगा 400 साल, फिर क्या होगा? लेकिन इतना होते हुए भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। आप पेपर देखिए, टीवी देखिए, मनुष्य के खून का प्यासा होता है। अभी बकरीद का त्यौहार गया, क्या किया मुसलमानों ने? अल्लाह ताला को क्या खुश किया? क्या गायों को तड़पा तड़पा के काटने से उनका अल्लाह मियां खुश हो जाएगा? वो अल्लाह क्या कहलाएगा जो पशुओं की हत्या कराने से खुश होता है? हिंदू भी कम क्यों रहेंगे? आखिर हिंदू भी तो, अभी नेपाल में गढ़ी माई का एक मंदिर है, देवी का मंदिर, लाखों भैंसों को काटा जाता है, और काटने वाले कौन है? सब अमार्गी, सब अनपढ़ लोग, जिनको धर्म का पता नहीं है, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने यही सोच रखा है कि भैंसों को लाओ यहाँ काट दो, गढ़ी माँ खुश हो जाएगी। ये अत्याचार है। हिंदू भी पाप कर रहा है, मुसलमान भी पाप कर रहा है, और ये जो भी पाप हो रहा है सब धर्म के पर्दे में हो रहा है। धर्म की छाप लगा दी जाती है कि अल्लाह ताला कहता है, हमारी दुर्गा माँ कहती है कि पशुओं को चढ़ाओ, बलि दो। ये अत्याचार है। धर्म का स्वरूप गहन होता है। धर्म ये नहीं कहता किसी प्राणी को पीड़ा दो। अध्यात्म में इसके लिए कोई भी स्थान नहीं। अब वहाँ जागने का प्रकाश फैलता है। किशोरी सिंह ने सुना कि हरि सिंह उस संकट से बच गए हैं, तो किशोरी सिंह ने भी अपने घर प्राणनाथ जी को निमंत्रण दिया, सब सुंदर साथ को, और श्रद्धा भाव से भोजन कराया। चर्चा का प्रवाह बढ़ता जाता है, अधिकतर लोग आने लगते हैं। अचानक एक दिन औरंगजेब को पता चल गया था कि अब प्राणनाथ जी अपने वैरागी, अपने सुंदर साथ के साथ रामनगर पहुंच चुके हैं। पुरतल खान दक्षिण भारत का सूबेदार था उस क्षेत्र का। औरंगजेब का आदेश आता है पुरतल खान के पास कि ये जो बैरागी हर राजा, हिंदू राजा के पास जा रहे हैं, उनको पकड़कर मेरे पास भेजा जाए। जब श्री जी उदयपुर पहुँचे, तभी औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया था, और उदयपुर के उस युद्ध में, आपको मैंने बताया था कि जसवंत सिंह की जो पत्नी थी उदयपुर के राजघराने की थी, तो जसवंत सिंह राठौर का जो वो घराना था और उदयपुर का घराना, दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने औरंगजेब को परास्त किया था। वहाँ औरंगजेब हारा। यदि कछवाहे यानी जयपुर के घराने ने भी साथ दे दिया होता तो शायद मुगल सल्तनत का पतन हो सकता था, लेकिन औरंगजेब की कूटनीति से पुनः राजपूतों में फूट पड़ गई थी। आपने सुना उदयपुर के पश्चात मंदसौर में भी मुगल सेना ने बैरागी सुंदर साथ को गिरफ्तार करना चाहा। औरंगाबाद में भी यही हाल हुआ, और अब रामनगर में शेख खिज्र को भेजते हैं मुगल। पुरतल खान ने अपने सेनापति शेख खिज्र को, शुद्ध नाम है खिज्र, शेख खिज्र को कहा कि जाकर के जो बैरागी केतकी नदी के किनारे आए हुए हैं उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। शेख खिज्र अपनी सेना के साथ दंदनाता हुआ रामनगर आ पहुंचता है, और वहां के राजा को सूचना भेजवाता है कि राजा, या तो तुम वैरागियों को पकड़कर मेरे हवाले कर दो, या युद्ध में जाने के लिए तैयार रहो। अब रामनगर के राजा के मन में भय पैदा हो जाता है कि बादशाह की इतनी बड़ी सेना का मुकाबला मेरी छोटी सी रियासत कहाँ से कर सकती है। उसने कोतवाल को भेजा कि ये जो केतकी नदी के किनारे जो बैरागी ठहरे हैं उनको जाकर कहो
कि बादशाह का आक्रमण हुआ है, वो पकड़ने के लिए उसकी सेना आई हुई है, आप कुछ दिनों के लिए 10-20 कोस दूर चले जाइए, जब बादशाह की शाही सेना लौट जाएगी तो पुनः आ जाइएगा, इसमें मेरी भी लाज रह जाएगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। कोतवाल आता है, प्राणराज जी से कहता है कि आप चले जाइए क्योंकि औरंगजेब की सेना आ चुकी है। श्री जी कहते हैं कि देखो, हमें औरंगजेब से डर नहीं लगता है, हम तो चाहते हैं कि कोई औरंगजेब के पास हमें ले चलो, औरंगजेब को आने दो, उसकी सेना का आने दो, जो भी आएगा उससे बात हम करेंगे, तुम घबराओ नहीं। बहुत कोतवाल कहता है, श्री जी ने मना कर दिया। जाकर कोतवाल कहता है कि महाराज, मैंने उन वैरागियों को बहुत समझाया लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अब श्री जी के पास पुनः भेजता है दोबारा, राजा कहता है कि ये महात्मा लोग मस्त रहते हैं, कुछ ऐसा खा पी लेते हैं, तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुना होगा, दोबारा जाओ और उनसे दबाव देकर कहो कि यदि हमारे रहते मुगल सेना पकड़ करके ले जाएगी तो सारे देश के हिंदू राजा हमें धिक्कारेंगे कि राजा तुम हिंदू महात्माओं की रक्षा नहीं कर सके, तुमको धिक्कार है। तो मैं सबके बीच में क्या जवाब दूंगा कि हमारे जीवित रहते कोई हमारे हिंदू महात्माओं को कोई मुगल पकड़ कर ले जाएं और सताएं तो हमारी इज्जत जाती है, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए। कोतवाल ने पुनः बार बार कहा लेकिन सब सुंदर साथ ने श्री जी ने मना कर दिया कि भाई औरंगजेब को आने दो, हम उससे निबट लेंगे, आप हमारी कोई भी चिंता न करो। कोतवाल कहता है कि महाराज मैं कहते कहते थक गया लेकिन वो बैरागी ऐसे जिद्दी हैं, हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रामनगर के राजा के पास सुवंश राय वहीं बैठा था। राजा ने कहा कि सुवंश राय तुम जा कर के समझाओ, क्योंकि कोतवाल की भाषा अटपटी होती है, आप उन्हें अच्छी तरह से समझाइए। सुवंश राय राजा के दरबार का अधिकारी था, आकर के श्री जी से बहुत बात किया, अनेक प्रकार से समझाया कि हमारे राज्य की गरिमा का प्रश्न है, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए। श्री जी कहते हैं कि सुवंश राय आपको चिंता करने की कोई भी बात चिंता नहीं है, हम औरंगजेब की सेना से निपटने में सक्षम हैं, उनको आने दीजिए। सुवंश राय लौट कर राजा से कहते हैं कि महाराज हमने जितना संभव हो सका दंड के अलावा प्रेम से समझा समझा कर अब हम थक गए, वैरागी ऐसे दृढ़ हैं कि वो किसी भी कीमत पर औरंगजेब से डरने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये सब चल ही रहा था कि पुर्दल खान का भेजा हुआ से खिद्र आ जाता है और कहता है कि राजा या तो तुम युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार रहो या उन वैरागियों को पकड़कर मेरे अधिकार में कर दो। रामनगर के राजा ने कहा कि जाओ जाओ, वो केतकी नदी के किनारे बैठे हैं, जाओ पकड़ लो। शेख खिद्र सोचता है एक हिंदू राजा कभी ये सहन ही नहीं कर सकता कि हमारे महात्माओं को कोई मुगल सेना पकड़े, ये कह रहा है कि जाओ उनको पकड़ लो, केतकी के किनारे बैठे हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं धोखा तो नहीं है। उसने इस बात का पता करने के लिए भिखारी दास को भेजा। आप देखिए मुगल सेना में हिंदू भी भर्ती होते थे क्योंकि देश में एकता नहीं थी, सामाजिक एकता के बिना, धार्मिक एकता के बिना सामाजिक एकता नहीं हो सकती। विदेशों से अंग्रेजों के राज्य में विदेश भेजा जाता था भारत से कच्चा माल, और विदेश के कारखानों में मैनचेस्टर से बना हुआ कपड़ा आता था, एकदम सस्ता कपड़ा, और इस देश के लोग पहना करते थे क्योंकि इस देश में के लोगों में एकता नहीं थी। मुगल सेना की ताकत कौन बढ़ाते थे? सब हिंदू, और वो सेना का सेनानायक होता था मुगल, हमला करता था हिंदू राजाओं पर, गुलाम बनते थे हिंदू। अंग्रेजी सेना में भी यही कहानी थी, अंग्रेजों के पास इतनी सेना कहाँ थी जो पूरे देश पर राज करते, हिंदुस्तानी ही उनकी सेना में भर्ती होते थे और इस देश के लोगों पर शासन करने में उनकी सहायता करते थे।
यदि इस देश के लोगों में जापानियों की तरह जर्मन वालों की तरह देशभक्ति होती तो ये देश गुलाम थोड़े रहता। हर कोई अपना परिवार सोचता है कि चलो हम फौज में भर्ती हो जाएंगे तो क्या होगा, वेतन मिलेगा, हम अपनी पत्नी परिवार के साथ खुश रहेंगे। देश के बारे में लोगों ने नहीं सोचा। जब स्वतंत्रता आंदोलन चला और सब लोगों ने नौकरियां छोड़नी पड़ी, जब छोड़ी कि हम नौकरी नहीं करेंगे भले ही भूखों रहेंगे तो क्या, विवश होकर अंग्रेजों को भागना पड़ा। यदि इस देश में गुरुकुल परंपरा होती, यदि इस देश में पत्थरों की पूजा न सिखाई जाती, मूर्ति पूजा न सिखाई जाती, घर घर संध्या हवन का प्रकाश होता, घर घर स्वाध्याय होता, तो मुझे नहीं लगता कि देश कभी गुलाम होता, क्योंकि सबको मालूम होता कि हमारा देश पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है। यदि इस देश के लोगों में परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा हो जाए, अपने देश धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा हो जाए, तो कभी गुलाम होने का प्रश्न ही नहीं है। गुलामी क्यों होती है कि उसी देश के लोग अपने देश के खिलाफ धोखाधड़ी करते हैं तभी वो राष्ट्र गुलाम होता है। चाहे 1857 का गदर हो या जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों, इसी देश के लोगों ने अपने ही देश के लोगों को मारकर विदेशियों को सत्ता सौंपी है। आज भी कहीं ना कहीं उसकी गंध आज भी इस देश में फैली हुई है। अब भिखारी दास दीवान है उसका, शेख खिज्र का, उसको भेजता है अब्दुल रहमान के साथ और रघुनाथ एक और सैनिक का नाम है। दो हिंदू होते हैं और एक अब्दुल रहमान एक मुगल सैनिक के साथ शेख खिज्र भेजता है कि जाकर के पता लगाओ कि ये केतकी नदी के किनारे जो ठहरे हुए हैं ये कौन है। अब भिखारी दास जाता है, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार श्री जी के चरणों में जाकर शीश झुकाता है और कहता है कि हम तो आपको पकड़ने आए हैं, आप अपनी पहचान दीजिए कि आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह घूमकर राजाओं के पास जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। भिखारी दास को श्री जी कहते हैं कि तुम मुझे जानना चाहते हो तो बैठो और मेरी चर्चा को सुनो। भिखारी दास सच्ची निष्ठा के साथ चर्चा सुनता है। श्री जी उसको पाताल से लेकर परम धाम तक का ज्ञान देते हैं, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। एक तरफ भागवत के द्वारा अखंड ब्रज अखंड रास का वर्णन सुनाते हैं और भागवत के जो प्रसंग है उसको कुरान से मिला करके बताते हैं कि देखो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसको विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, कुरान में मेरी यह साक्षी है। भागवत और वेद के कतेब के सिद्धांतों को एक करके बता देते हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म, जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का एक, नाम सारे जुदे धरे ऊपर करे इशारत। शब्द अलग अलग हैं, हिंदू परमात्मा को अक्षरातीत कहते हैं, मुसलमान नूर जमाल कहते हैं। हिंदू अक्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं वो नूर जलाल कहते हैं, हिंदू जिसको आदि नारायण कहते हैं मुसलमान उसको अजाजील कहते हैं, जिसको मन और श्रद्धा जिसको कहते हैं मुसलमान उसको आदम और हव्वा कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं हिंदू उसको अस्य अजीम कहते हैं। जब ये सारी बातें समझाई और कहा कि कुरान के कथनों के अनुसार 11वीं सदी चल रही है और यही समय आखरुल इमाम मेहदी के रूप में प्रकट होने का है अल्लाह ताला की शक्ति का, मैं वही हूँ। अब भिखारी दास पूरी निष्ठा के साथ परिवार सहित समर्पित हो जाता है और आकर शेख खिद्र से क्या कहता है कि सेनापति महोदय, यदि आप अपने अंतर्दृष्टि से जाकर के देखें, क्या कहता है कि तुम चलो उतनी करावे दीदार, और यदि तुम सच्ची निष्ठा से जाओगे तो पाओ परवरदिगार, तुम चलो उतनी करावे दीदार। कौन आया है केतकी नदी के किनारे तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप आया बैठा है, तुम चलो हम तुम्हारा वहाँ का दर्शन कराते हैं। साथ में जो गए थे रघुनाथ और अब्दुल रहमान ने भी कहा कि खिज्र साहब ये बिल्कुल सही बात है, हमने अपनी आंखों से देखा कि उनके चरणों में जाने के बाद हम नतमस्तक हो गए और जो कुछ कह रहे हैं भागवत और कुरान के अनुसार धर्म ग्रंथों के अनुसार 100% सच कह रहे हैं,
उनके अंदर परमात्मा की अलौकिक शक्ति है। आप चलिए, अब शेख खिज्र अपनी सारी सेना को आदेश देता है कि तुम सब चलो और चल करके वहाँ अदब से रहना है, ये नहीं कि वहाँ हमला करना है। सारी सेना के साथ आता है, अदब से सम्मानपूर्वक चर्चा में बैठ जाता है। श्री जी देखते ही समझ जाते हैं परमधाम की आत्मा आज मुझे ही कैद करने के उद्देश्य से आई हुई है। ये तो माया का खेल है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। शेख खिज्र चर्चा सुनता है, श्री जी उसको सारी पहचान कराते हैं कि दाबतुल अर्थ जानवर क्या है। क़यामत के सात निशानों में जो दाबतुल अर्थ जानवर का वर्णन किया गया है कि जब क़यामत का समय आएगा तो मनुष्य का हृदय शेर की तरह कठोर बन जाएगा, उसकी पीठ गीदड़ की तरह हो जाएगी, यानी धार्मिक कार्यों से वो दूर रहने लगेगा, उसकी दृष्टि सुअर की तरह गंदी हो जाएगी, कान हाथी के कान की तरह हो जाएंगे, केवल बुरी बातों को सुनना चाहेगा, अच्छी बातों को नहीं सुनना चाहेगा। ये सारी बुराइयाँ, मुर्गे की गर्दन की तरह उसमें अहंकार रह जाएगा, वो बड़ों के सामने कभी सिर झुकाना नहीं चाहेगा। सूरज का पश्चिम में उगना क्या है कि जो अल्लाह ताला की शक्ति अरब में आई थी, परमात्मा का ज्ञान आया था, अब वो हिंदुस्तान में हिंदू तन में प्रकट हो गया है, तो मुसलमानों के लिए वो पश्चिम दिशा का होगा, उसमें अंधेरा रहेगा, यानी हिंदू तन में आने के कारण मुसलमान उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे और शरीयत के बंधनों में लिपटे रहने के कारण उनको स्वीकार नहीं कर सकेंगे। अजूज माजूज का भेद बताया, किस तरह से अजूज माजूज जाहिर हो गए हैं, यानी 400,000 कौमें हैं इनकी अजूज माजूज की, साला सुबा तावा 3 इनकी फौजें हैं। 400,000 में जब 400,000 में जब हम विभाजन करते हैं तो 1100 सदी का समय हो जाता है, यानी 11वीं सदी का वह समय है जिसमें इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला को प्रकट होना था, क़यामत का निशान जाहिर होना था। असराफील जबराइल और ईसा रूहल्लाह का प्रकटन, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी का प्रकटन, काने दज्जाल के गधे पर सवार होने का सारा रहस्य बताया कि जिस तरह से काने व्यक्ति की एक आंख होती है, जीव सृष्टि की एक ही आंख है, अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि नहीं खुली है, इसलिए प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए अक्षरातीत की न पहचान कर पा रहे हैं, न धर्म ग्रंथों के भेद समझ पा रहे हैं। जब क़यामत के सातों निशान को शेख खिज्र सुनता है तो उसकी आस्था जागृत हो जाती है और वो श्री जी के चरणों में नतमस्तक होकर पूरी सेना के साथ तारतम ले लेता है। ये चमत्कार है। आया था प्राणनाथ जी को कैद करने बहुत बड़ी सेना लेकर, और सारी सेना श्री जी के चरणों में आकर, जितने मुस्लिम हैं हिंदू हैं सभी प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के दीक्षा लेते हैं। उस युग में जब औरंगजेब के नाम से पूरा हिंदू समाज कांप रहा होता है, औरंगजेब का नाम सुनते ही पता नहीं सबको क्या लग जाता था कि फौज आएगी मुगल सेना, हमको पता हमारे ऊपर अत्याचार करेगी। उस युग में तारतम ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैल रहा है कि मुगल सेना भी श्री जी के चरणों में अपना शीश झुकाती है। अब शेख खिज्र कहता है कि श्री जी मुझे तो जाना पड़ेगा राजकीय कार्य से, पुर्तल खान ने मुझे भेजा है तो मुझे उनको सूचना देनी होगी, आप बताइए मैं क्या लिखूं। श्री जी कहते हैं कि जैसे तुमने मेरी पहचान की है वो तुम मुझ उनको लिख देना। अब शेख खिज्र रामनगर के राजा के पास जाता है और कहता है कि धिक्कार है राजा, तुम्हारे राज्य में परमात्मा के स्वरूप आए हुए हैं और तुम एक बार भी उनके दर्शन करने नहीं गए। शेख खिज्र की इस बात को सुनकर राजा शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन कहता है कि भाई तुम तो पकड़ने के लिए गए थे, अब कह रहे हैं कि वही परमात्मा है। शेख खिज्र कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, अब मैं जानता हूं कि वो मेरे हादी हैं, अब मैं उनका गुलाम हूं, मैं नौकर हूं, वो जो मुझे आदेश देंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन उनको सौंप दिया है। लेकिन तुम बदनसीब हो कि तुम्हारे राज्य में आए हुए इतने समय हो गए तुम दर्शन करने भी नहीं गए। अब जब शेख खिज्र चला गया तो उनके दरबारियों ने भड़काना शुरू कर दिया,
कि महाराज देखिए, जो प्राणराज जी के साथ जितने उनके शिष्य रहते हैं उनके हाथ में एक भुरकी होती है राख, जो उनकी चर्चा सुनने जाता है उसके पीछे से वो राख फेंक देते हैं और उसकी बुद्धि मारी जाती है। वो चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, हिंदू कहने लगता है कि आप ही परमात्मा हो, मुसलमान कहने लगता है कि आप साक्षात अल्लाह ताला हैं, हमारे खुदा बंद हैं, आप ही हमारे हाथी हैं, आपके सिवा कोई कुछ नहीं है। इसलिए यदि आप जाएंगे तो आप भी उनके हो जाएंगे। जब दरबार के जितने पंडित थे, दरबारी थे, सबने उनको उकसाया। राजा ने कहा कि मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि शेख खिज्र ने मुझे शर्मिंदा किया है, मैं जाऊंगा तो लेकिन पास नहीं बैठूंगा। उसने श्री जी को एक बाग में निमंत्रण दिया और भोजन के समय दूर से ही दर्शन किया। बदनसीबी थी उसकी, जीव सृष्टि का था, परमधाम का अंकुर होता तो बैठकर कोई चर्चा का आनंद लेता। वो अपने चारों तरफ कर्मचारियों से, अधिकारियों से घिरा रहा। उसका भय यही था कि कहीं मेरे सिर पर भी कोई राह की भुरकी न डाल दे, नहीं तो मैं भी अपना राजपाट छोड़कर उनके चरणों में आप ही परमात्मा हो, आप ही परमात्मा हो का मंत्र जपने लगूंगा। इसलिए बेचारा भोजन तो करवा रहा है, दूर से प्रणाम जी बोल दिया और भागता फिरा कि कहीं मेरे ऊपर भी वशीकरण मंत्र का असर न हो जाए, भुरकी ना कोई डाल दे। यह दुर्भाग्य था उसका। अब श्री जी जैसे एक बार चर्चा कर रहे थे, वहाँ पुर्दल खान का भेजा हुआ, जो पुर्दल खान के खानदान का था, एक और सैनिक, एक उनके उसके खानदान का कोई सरदार था, मुगल सरदार, उसने पुनः हमला कर दिया। इसके पहले भी एक घटना हो गई, जब शेख खिज्र चर्चा सुन रहा था उसमें भी उस क्षेत्र के सारे पठान आ गए कि बाबा जी आप हिंदू होकर तफ़सीर हुसैनी आप पढ़ रहे हैं, आप कुरान की व्याख्या कर रहे हैं, आप धोती माला पहनते हैं। शेख खिज्र ने अपने सैनिकों से कहा कि लोगों को डंडे मार करके भगा दो। शेख खिज्र के सैनिक उठे और उन पठानों को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। सब यह कहते हुए भागे कि अरे भाई ये क्या हो गया है, मुसलमान को मुसलमान मान रहा है, ये तो इतना बड़ा जादूगर है कि सभी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। अब पुर्दल खान का भेजा हुआ जो सैनिक था, जो सरदार था, उसने भी आकर रामनगर के राजा को धमकाना शुरू किया कि केतकी नदी के किनारे जो ठहरे हैं वैरागी महात्मा, उनको हमारे हवाले कर दो। अब राजा को बहुत बुरा लगा कि एक शेख खिज्र गया, अब यह दूसरा व्यक्ति आ गया, हम रोज रोज के ये झंझट क्यों मोल लें। उसने संदेश भिजवाया कि बैरागियों से कहो हमारे राज्य से बाहर चले जाएं, जब तक ये रहेंगे औरंगजेब की सेना किसी न किसी रूप में मेरे राज्य पर आती रहेगी, मैं कब तक इनसे निबटता रहूँगा। जब श्री जी ने सुना तो उनको बहुत कष्ट हुआ, एक हिंदू राजा अपने राज्य में रहने नहीं देना चाहता तो अब यहाँ रहना नहीं है। श्री जी ने तय कर लिया कि अब यहाँ से चल देते हैं। सब सुंदर साथ के साथ वो चल पड़ते हैं। एक बाग में जब तक वो पहुँचते हैं गढ़े के पास, तो पुर्दल खान का भेजा हुआ जो उनके खानदान का था, उसने 5 सैनिकों को भेजा कि जाकर देखो बैरागी कहाँ गए। और इसी समय दीवान देवकरण ने भी उधर श्री जी के चरणों में अपना समर्पण कर रखा था। बाग में भेंट हो जाती है और पूरी रात, शाम का समय था, पूरी रात सुंदर साज से उन 5 सैनिकों की वार्ता होती है कुरान के ऊपर। जब पूरी रात वार्ता होने के बाद प्रातः काल होने से पहले उनको अटूट विश्वास हो जाता है कि यह तो खुदा का वली है, ये तो वली उल्लाह है, यदि हमारे से कोई बुरा हो जाता हम अपने
सेनापति के कहने पर इन वैरागी महात्माओं के साथ बुरा व्यवहार करते तो हमारा तो विनाश हो जाता। अच्छा हुआ कि इनके ज्ञान से हमको समझ आ गई और वे सवेरा होते होते वहाँ से भाग छूटे। अब श्री जी गढ़े में पहुँचे। वहाँ का राजा, वहाँ का हाकिम राय, आपने पहले सुना, उदयपुर के राणा का जो भाई था वेरिसाल, वहाँ भी उसने लूटना चाहा था। किस पर हमला करना चाहा? वैरागियों पर। और यहाँ भी हाकिम राय है हिंदू दोनों। इसने मन में लिया कि हम हिंदू वैरागियों को लूट लें, मुसलमानों से तलवार मिलाने की हिम्मत नहीं। शक्ति किस पर दिखा रहे हैं? हिंदू महात्माओं पर। हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? इसी कारण हुआ, उनमें राष्ट्र के लिए स्वाभिमान नहीं था, अपने समाज के लिए स्वाभिमान नहीं था। ताकत किस पर दिखाएंगे? या तो शूद्रों पर दिखाएंगे या महात्माओं पर दिखाएंगे। मुसलमान मारे या न मारे, हिंदू ही लूटने के लिए तैयार हैं। पतन का मूल कारण तो यही है। अब आप देखिए, जब हाकिम राय के मन में ऐसा पाप आया कि इन वैरागियों को लूट लूं, तो एक वाजपेयी थे वहाँ, वाजपेयी जी का भी आसन था, उन्होंने कहा कि देखो ये वैरागियों को तुम क्या समझते हो? ये वैरागी ऐसे नहीं कि डरने वाले हैं, ये मरने मारने वाले हैं और ये हजारों की संख्या में है, तुम तो हजारों में नहीं हो। जब उन्होंने, वाजपेयी जी ने इनको डांटा हाकिम राय को, तो सिर नीचा करके वहाँ से गया। उस दिन गढ़े को लानत लगी कि एक हिंदू महात्मा अक्षरातीत के चरण कमल जहाँ पड़े हों उनको लूटने के लिए आखिर एक हिंदू ने प्रयास किया, और जहाँ पर किसी ब्रह्मज्ञानी का अपमान होता है तो वहाँ से पतन प्रारंभ हो जाता है। गढ़े को ऐसी लानत लगी कि ख्वार होता गया और क्यामत तक वो कभी पनप नहीं पाया। इसका एक और भी कारण है, जब श्री जी रामनगर छोड़ करके गढ़े के लिए प्रस्थान किए, राजा को जब पता चला तो श्री जी जिस निवास में रामनगर में रहते थे उसने उनके भवन को गिरा दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कोई मुगल बादशाह अपने पीर फकीर की झोपड़ी को नष्ट नहीं करेगा। हिंदुओं का नैतिक पतन ही उनके सामाजिक और राजनैतिक पतन का कारण है। यदि हिंदू धर्म पर शिष्टाचार पर बने रहते तो यह देश कभी भी गुलाम नहीं होता। मनुष्य की रक्षा कौन करता है? धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। यदि मनुष्य धर्म से रहित हो जाए तो उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान उसका विनाश करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म के सिद्धांतों का पतन करता है धर्म कालदंड के समान उसका विनाश कर देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वन में रहने वाले थे, दो भाई ही तो गए थे, और एक तरफ सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम जो पैदल चले थे अयोध्या से दक्षिण भारत तक, उनके सामने सोने की लंका में रहने वाला रावण टिक नहीं पाया, क्योंकि रावण पर पाप का साया था। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा वित्तोदयान। सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, अधर्म की नहीं। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो उसका विनाश अवश्य होता है। मनुष्य को मन वाणी और कर्म से हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। आप इतिहास के पन्ने आज से 300 साल पहले जो कुछ घटित हुआ आप बीतक के माध्यम से सुन रहे हैं कि उदयपुर में हिंदू राजा में धर्म के प्रति आस्था उनके पंडितों ने नहीं जगने दी थी, मंदसौर में किस तरह से संकट झेलने पड़े, औरंगाबाद में भी कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, आपने हरिद्वार का प्रसंग सुना ही है। यदि आप धर्म के प्रचार के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर कुछ न कुछ कष्ट झेलने पड़ते हैं। और यह देश, मैं बार बार प्रतिदिन की चर्चा में कुछ न कुछ मेरे मुख से निकलता ही है,
राष्ट्र के संबंध में, समाज के संबंध में, धर्म के संबंध में। इसका मूल कारण क्या है? हमारी धार्मिक अशिक्षा। जिस समाज के लोग गीता का पहला श्लोक, 80% लोगों को गीता का पहला श्लोक नहीं याद होगा हिंदुओं को, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ 80% हिंदुओं को शायद गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा। आप पूर्वोत्तर भारत में जाइए, क्रिश्चियन मिशनरी सबको फ्री में बाइबल दे रहे हैं, हिंदुओं के घरों में जाकर देखिए सबके घर वेद तो क्या गीता नहीं होगी। जब कोई पढ़े पढ़ाए का नहीं, धर्म की शिक्षा होगी नहीं, तो धार्मिक पतन तो अवश्य होगा। जब इस देश के लोगों को अपना प्रांत दिखता है, अपनी केवल जाति दिखती है, धर्म नहीं दिखता, समाज नहीं दिखता, राष्ट्र नहीं दिखता, तो परिणाम क्या होगा? सब लड़ भिड़ कर अपने अस्तित्व को नष्ट करते हैं। इसलिए धार्मिक जागृति ही राजनीतिक जागृति का कारण है। जब तक हमारी धार्मिक आस्था परिपक्व नहीं होगी, तब तक हमारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। धार्मिक अस्तित्व तब सुरक्षित रहेगा जब हमारे अंदर धार्मिक शिक्षा के संस्कार पैदा हों। एक मुसलमान 12 साल के अपने बच्चे को कुरान रटा सकता है, हिंदू अपने बच्चों को धर्म की भी शिक्षा नहीं देते। और इसमें सबसे ज़्यादा अपराध है माताओं का। माताएं सोचती हैं कि मेरा लाडला कहीं महात्मा न बन जाए, इसलिए 10 बजे तक भी सोता रहे तो उसको सुलाए रखेंगे, बेटे सोते रहो, उसको नहीं कहेंगे कि तुम परमात्मा का उठ करके नाम जपो। अपनी लड़कियों को नहीं शिक्षा देंगे कि तुम सवेरे उठ करके कुछ परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि हिंदू स्वभावतः पैसे का लालची होता है। उसके अंदर ये त्याग की भावना नहीं होती है कि हमारा ये सब कुछ धन तो नष्ट हो जाएगा। आप देखिए, इस्लाम कहलाने के लिए तो शांति का संदेश देता है, वास्तव में इस्लाम का अर्थ ही शांति होता है, लेकिन इस्लाम के जो प्रचारक हैं धर्म का कितना विकृत अर्थ कर देते हैं, जिससे ISIS जैसी आतंकवादी विचारधारा पनपती है, भावी विचारधारा की ओट में आतंकवाद फैलता है, और उसमें भाग लेने के लिए लोगों को मारने मरने के लिए जुनून फैला हुआ है मुसलमानों में। भाग भाग करके सीरिया पहुंचते हैं, कितनी क्रूरता से दूसरों को मारते हैं। हमारी माताएं बहनें तो इतना भी त्याग नहीं रखती कि अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें, ये सिखाएं कि प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करो, स्वाध्याय करो। किसी हमारी संस्कृति तो चींटी को भी मारना पाप समझती है, लेकिन आज का हिंदू अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देने से भी घबराता है कि बच्चा मेरी आंखों से उछल हो जाए। वो काकरोच से अपने बच्चों को डराती हैं, तो बच्चे क्या बहादुर बनेंगे, क्या धर्म की रक्षा करेंगे। भूत की कहानियां सुनाकर डराए रहती हैं, तो बच्चे डरपोक पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी अपनी कमजोरी है। हमारे पास त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, भावना नहीं, तो धर्म और संस्कृति का क्या होगा? अब श्री जी, गढ़े से चलेंगे पन्ना जी के लिए। एक बार दीवान देवकरण से भेंट हुई थी, जब श्री जी के चरणों में आए थे, श्री जी ने पूछा कि देवकरण तुम यहाँ कैसे आ गए? देवकरण जी कहते हैं कि धामधनी, मुझे किसी बात पर परिवार में क्रोध आ गया था और मैं वहाँ से नाराज होकर रामनगर आ गया था। रामनगर के राजा के दीवान हैं देवकरण जी और महाराजा छत्रसाल जी के सगे भतीजे हैं। श्री जी कहते हैं कि नहीं, तुम अपने आप नहीं आए, तुमको यहाँ लाया गया, क्योंकि तुम्हारे ही माध्यम से महाराजा छत्रसाल जी तक संदेशा भिजवाना है। अब देखिए, श्री जी ने बाह्य आंखों से छत्रसाल जी को नहीं देखा, लेकिन वहीं से बैठे बैठे कह दिया छत्रसाल के अंदर शकुंडल की आत्मा है। औरंगजेब के बारे में पहले ही कह दिया कि औरंगजेब भले ही क्रूर है, लेकिन उसके अंदर सकुमार की आत्मा है, और इसलिए दिल्ली में जाकर सकुमार की आत्मा को जगाने का प्रयास किया गया था। लेकिन मूल स्वरूप का आदेश था कि दोनों में कोई एक ही जाग सकता है, सकुमार की जागनी नहीं लिखी थी। अब शाकुंडल को सारी शोभा देनी है, शाकुंडल शोभा भई। अब शाकुंडल महाराजा छत्रसाल जी की आत्मा को जागृत करने के लिए संदेश लेकर के देवकरण जी को भेजा जाता है, और श्री जी ने
बाद में जीवनदास जी, उत्तमदास जी, लालदास जी, गोविंददास जी को छत्रसाल जी को प्रबोधित करने के लिए भेजा। आगे की चर्चा आप सुन चुके हैं किस तरह से श्री जी गणेश से होते हुए अगरिये पहुँचते हैं, अगरिये से पन्ने पहुँचते हैं, पन्ना से किस तरह से मऊसानिया जाते हैं जहाँ कुएं के पास श्री जी और छत्रसाल जी की भेंट होती है। पुनः अफगान खां आक्रमण करता है, श्री जी अपना वरद हस्त अफगान खां के ऊपर रखते हैं और 8000 की सेना लेकर के आने वाला अफगान खां छत्रसाल जी के हाथों कैद होता है। अफगान खां 3 बार आक्रमण करता है। मुसलमानों की हमेशा प्रवृत्ति रही है हर कदम पर झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना और फिर बदल जाना। जब गिरफ्तार हो गया था तो हाथ जोड़कर प्राणों की भीख मांग रहा था, किसी तरह से उसको छुड़ा गया, फिर दोबारा उसने आक्रमण कर दिया। दूसरी बार कब आक्रमण किया? जब श्रीजी पन्ना जी में विराजमान हो रहे होते हैं, खिचड़ा जहाँ मंदिर जहाँ है वहीं पर श्री जी छत्रसाल जी को उपदेश दे रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उस दिन दशहरे का दिन था। अचानक ही अफगान खान ने तोपे लेकर पूरे पन्ना को घेर लिया था। मुसलमान क्या करते हैं, यदि कोई कैद में आ जाए तो उसी समय मार डालते हैं। हिंदू का हृदय स्वभावतः दयालु होता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक बार भी पृथ्वीराज को क्षमा नहीं किया, उल्टे गर्म लोहे से उसकी आंखें निकलवा ली थी। अब श्रीजी और छत्रसाल बातें कर रहे थे, सैनिक भी नहीं थे, अचानक ही अपने को घिरा हुआ देखकर छत्रसाल जी घबरा गए कि यहाँ तो सैनिक भी अधिक नहीं है, मैं तो यहाँ श्रीजी से धर्म चर्चा कर रहा था और अफगान खान ने घेर लिया। श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे साथ पल पल पर राज्य हैं, तुम अपनी तलवार दिखाओ मुझे। श्री जी ने छत्रसाल जी को की तलवार को अपने हाथों में लिया और अपनी कृपा की दृष्टि उस पर डाली और कह दिया कि इस तलवार से तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है, अपने घोड़े पर बैठकर इस तलवार को केवल चमकाते रहना है। अलौकिक लीला हुई उस दिन। अफगान खां की फौज के सामने महाराजा छत्रसाल जी खड़े थे अपनी थोड़ी सी टुकड़ी के साथ और अपनी तलवार को चमकाने लगे। जिधर जिधर चमक पड़ती गई, जिस जिस मुगल सैनिक ने उनकी तलवार की तरफ दृष्टि की उसको हर दूसरा मुगल सैनिक छत्रसाल के रूप में नजर आने लगा और थोड़ी ही देर में सारी मुगल सेना आपस में लड़ कट करके समाप्त हो गई। अफगान खां को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सैनिक ही आपस में लड़ मर रहे हैं, मैं क्या करूं? अपनी सारी तोपों को छोड़कर अपनी जान बचाकर किसी तरह से वो दिल्ली भागा। ये इतिहास की कहानी है कि किस प्रकार से छोटी सी टुकड़ी के साथ हजारों सैनिकों को दोबारा महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की कृपा दृष्टि से युद्ध के मैदान में हराया था। इसलिए हर वर्ष विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन खिजड़ा मंदिर में छत्रसाल जी के राजघराने के वंशज आते हैं और उनको प्राणराज मंदिर के सदस्यों की तरफ से उनको तलवार भेंट करने का जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष किया जाता है। तीसरी बार अफगान खान ने पुनः आक्रमण किया था जब छत्रसाल जी बाहर गए थे तो छत्रसाल जी के बड़े बेटे हृदय शाह के अस्त्रों से ऐसा घायल हुआ अफगान खां कि उसके प्राण ही निकल गए। खिचड़ा मंदिर के पास ही आज उसकी कब्र दिखाई देती है। ये वीर का कार्य होता है कि वीर का सम्मान करें। इतना वैरी था फिर भी महाराजा छत्रसाल जी ने दरिया दिली दिखाई और अफगान खां की मजार बनवाई, वहीं पास में बनी हुई है। इसके पश्चात श्री जी पन्ना जी में विराजमान होकर लीला करते हैं। कुछ और थोड़ा सा प्रसंग है, प्रसंग ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कल आप सुनेंगे पन्ना जी में किस तरह से लीला चलती है। श्री जी सब सुंदर साथ को परमधाम के ज्ञान का अमृत बरसाते हैं और सब सुंदर साथ वहीं बैठे बैठे
परम धाम के रस में मग्न रहता है। अब चुपाए तो रहे। श्री मामती कहे ऐ मोमिनो, ए गड़ा की बीतक आगे कहो परना की, जो है हुकम हक, जो है हुकम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।